I'm Dr. Ankita Bhatia. I'm consultant infectious disease at Manipal Hospitals, New Delhi. So, आज मैं HIV वायरस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी. ये किस तरह का वायरस है, कैसे इन्फेक्ट कर सकता है आपको, लक्षण क्या होते हैं इसके, और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है आपके. सो HIV की हम बात करें तो ये एक वायरस होता है जो RNA वायरस होता है, रिट्रोवायरस. इसके अगर रूट ऑफ इन्फेक्शन की हम बात करते हैं तो ये ज़्यादातर असुरक्षित यौन संबंध से, नेडल प्रिक से, जैसे अगर किसी को नेडल लगी है जो HIV से इन्फेक्टेड है और वही नेडल किसी को लगती है जो HIV अनइन्फेक्टेड है तो उसमें वो ट्रांसमिट हो सकता है. IV ड्रग एब्यूजर्स में जो ऐसे लोग होते हैं जो IV ड्रग्स लेते हैं उसमें हो सकता है शेयरिंग ऑफ नीडल्स के कारण, या मदर से चाइल्ड को हो सकता है. अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी. सो ये कॉमन रूट होते हैं HIV इन्फेक्शन के. अगर हम इसकी लक्षण की बात करते हैं तो जो इसके लक्षण होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे होते हैं. इनिशियली जब आप किसी को भी HIV वायरस से संक्रमित होता है कोई व्यक्ति, उसमें फ्लू लाइक लक्षण आते हैं. उसको फीवर हो सकता है, कुछ लोगों में चिल्स के साथ भी होता है. ज़्यादातर माइल्ड या मॉडरेट फीवर होता है, हल्का बुखार रहता है. कुछ लोग सोर थ्रोट हो सकता है, गांठें हो सकती है गले में या पैर की तरफ. कुछ लोगों को रैश देखा जाता है जो गुलाबी रैश होता है. ज़्यादातर जो गोरी चमड़ी के लोग होते हैं उसमें ये ईजिली अप्रिशिएट किया जा सकता है और ये अपने आप ही ठीक हो जाता है. मगर जो HIV का वायरस है, ये वायरस आपकी इम्यून सिस्टम को अटैक करता है. अगर ब्रीफली मैं बताऊँ तो ये वायरस जो है आपके टी सेल्स को धीरे धीरे कम करता जाता है. सो जैसे जैसे टी सेल्स कम होते हैं आपकी बॉडी में दूसरे इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है. सो जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनका वज़न गिरने लगता है. कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनको डायरिया या दस्त होने लगते हैं लंबे समय तक. बुखार रहता है, रैश हो सकता है. ऐसे लोगों में अगर कुछ ऐसा है तो उसमें HIV की जांच करनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि समय रहते अगर इसका इलाज शुरू किया जाए तो इम्यूनिटी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी. और जो फर्दर ये एड्स में प्रोग्रेस करता है, जिसमें कि ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका इलाज भी मुश्किल होता है, और रेयर बीमारियां जैसे रेयर फंगल होना इन्फेक्शन, रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रेयर पैरासिटिक इन्फेक्शन या रेयर वायरसेस का इन्फेक्शन. सो ये चीज़ें एड्स में डेवलप कर जाती है और डिफ़िकल्ट होती है उस समय मैनेज करना. थर्ड पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं. सो अगर किसी को जो मैंने रूट्स बताया है उस रूट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करें यौन संबंध के समय, या निडल जो है वो शेयरिंग ना हो, डिस्पोजेबल निडल्स यूज़ करें, और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ चलती हैं HIV वायरस के अगेंस्ट, जिससे कि मदर के अंदर वायरल लोड काफ़ी कम हो जाता है और वो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन बच्चे में वो कम किया जा सकता है. साथ ही साथ एक कंसेप्ट होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का, जिसका अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो जिनको भी ऐसा है कि जिनको HIV के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, नेडल प्रिक हो सकता है या असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है, उसमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का कोर्स चलता है एंटी रिट्रोवायरल्स का, एंटी HIV ड्रग्स का, और इससे उनमें HIV डेवलप करने की संभावना काफ़ी हद तक कम की जा सकती है. बट ये भी मैं स्ट्रेस देना चाहूँगी कि ये जो कोर्स चलता है ये उसी एपिसोड के लिए, तो जो भी आपका हाई रिस्क बिहेवियर है इसको मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि 28 दिन की या उतने ड्यूरेशन की आपने दवाई खाई तो आगे भी आप उस HIV की इन्फेक्शन से बचे रहेंगे अगर आप उस बिहेवियर को कंटिन्यू रखते हैं. एक चीज़ और है जो नई चीज़ है अभी, सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स के लिए, जिसमें ऐसा कुछ लोग होते हैं जिनमें कि हस्बैंड या वाइफ में से एक ही HIV पॉजिटिव होता है और दूसरा पार्टनर जो होता है वो नेगेटिव होता है, उसमें भी कुछ दवाइयां हैं जो चल सकती हैं अगर कंसेंट हो, प्रॉपर टाइमली लिया जाए उसको, और टाइम टू टाइम टेस्ट कराना होता है इसमें, जिससे कि ये देख सके कि ड्रग रेजिस्टेंस नहीं डेवलप करे. और साथ ही साथ अगर HIV पॉजिटिव हो जाते हैं किसी तरह भी तो उसमें प्रॉपरली ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट किया जा सके. तो विद दिस नोट, यू शुड ऑल स्टे सेफ एंड अपडेटेड अबाउट दिस इन्फेक्शन. डोंट बी फियरफुल दिस राइट नाउ. जो भी दवाइयाँ हैं इसके लिए, दिस इज़ वेरी मच सेफ एंड इफेक्टिव, एंड यू कैन हैव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ इवन यू आर HIV इन्फेक्टेड. सो बट जो ट्रीटमेंट होता है, जो वैक्सीनेशन है, ये आपको टाइम टू टाइम अपना अपडेटेड रखना होगा.